जब पेट्रोल और डीजल के यानी ऑयल के भाव पूरे विश्व में चरम पे थे, तब अमिताभ बच्चन कहते थे कि गाड़ियां क्या हम जला डालेंगे, अक्षय कुमार कहता था कि क्या हम साइकिल चलाएंगे, क्या गाड़ियां चलाएंगे या जलाएंगे, इसको दुगलापन कहा जाता है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने 8-10 साल पहले की बात कहते हुए कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, तब अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने उसका जमकर विरोध किया था। लेकिन अब तो मोदी सरकार ने इतिहास ही रच दिया है। भारत ने पहले कभी डीजल पेट्रोल का दाम इतना नहीं बढ़ा, तो अब कहाँ है अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार और उनकी बातें, क्यों नहीं हो रहा है बढ़ते दाम का विरोध? सुनिए कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा है। कुछ 8-10 साल पहले की बात है, जब मनमोहन सिंह जी का सरकार की सरकार थी और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, तब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार खुल के बाहर आके इस बढ़ते हुए दाम के खिलाफ उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था, ट्वीट कर दिया था, कुछ बोले थे। अब तो मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया है, इतने बढ़े हुए दाम भारत ने कभी देखे नहीं थे। तभी कि मनमोहन सिंह के उस वक्त के हालात, अंतरराष्ट्रीय हालात खराब थे, जब पेट्रोल और डीजल के यानी ऑयल के भाव पूरे विश्व में चरम पे थे, इसलिए भाव बढ़े थे। अब तो भाव गिरे हुए हैं, तब भी भारत में भाव बढ़े हुए हैं। तब अमिताभ बच्चन कहते थे कि गाड़ियां क्या हम जला डालेंगे, तब अक्षय कुमार कहता था कि क्या हम साइकिल चलाएंगे। अब मैं दोनों को पूछना चाहता हूं, अब आप हो कहां? अब मुंबई कर को यह बताइए, जिस मुंबई कर की आप बात कर रहे थे अमिताभ जी, कि अब गाड़ियां चलाएंगे या जलाएंगे, क्या अब बहाव बढ़े हुए आपको दिखाई नहीं देते? क्या सुबह का वृत्त पत्र अखबार आप पढ़ते नहीं हो? क्या अक्षय कुमार जी अब साइकिल चला के काम पे जाते हैं? या यह सच्चाई है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, उसके प्रवक्ता हो? क्योंकि मनमोहन सिंह के वक्त आपने जो कहा था, अब क्यों नहीं कह रहे? इसको दोगलापन कहा जाता है। मुझे ये उम्मीद है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन और अपने अभिनय से नाम कमाने वाले अक्षय कुमार, ये किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते। सच्चाई सामने आनी चाहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।